देखिए, सबसे पहले आपके जितने भी दर्शक हैं सभी को नमस्कार, प्रणाम, आदाब। और आज चंदनकियारी विधानसभा क्षेत्र में हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं बिजली की समस्या को लेकर। जो बिजली की जो समस्या है, उस समस्या से आप भोजुड़ी से बारमसिया तक देख लीजिए, एकदम जर्जर स्थिति है, जिससे लोग एकदम त्रस्त है, परेशान है, उसको बोलने का जरूरत नहीं। लोग काफ़ी आक्रोश भी है। अगर विधायक जी गांव जाके इस समस्या को जानने चाहेंगे तो सबसे पहले उनको स्वागत अच्छे वाणी से किया जाएगा, क्योंकि इतना दिन होने के बावजूद भी आज कोई जनप्रतिनिधि इसको लेके आवाज़ नहीं बुलंद कर रहे हैं, कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, जिसको लेके हमने बहुत खेत पहुँच रही है। ग्रामीण लोग आक्रोश है, ग्रामीण लोग सोच रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जो बिजली को समस्या को लेके जनता के बीच में आए और सरकार से लड़े। और हमारे जो विधायक है, जो विधायक आज चंदन क्यारी से दो दो बार जीत के चंदन क्यारी के लोग को भूल गए हैं, ये सबसे पहली बड़ी बात बोला था कि 21 दिन में 21 घंटा पानी देगा, 21 दिन बिजली देगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ठीक आज ही के महीने में, अगले साल की बात कर रहा हूँ, अगले साल में विधायक जी ने चास में वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया था। वहाँ पे साफ कहा था कि अगर 21 से 22 घंटा हमें बिजली अगर नहीं मिला जाए तो हम यहाँ पे आकर मनसा पूजा मनाएंगे। बिजली अधिकारी सबको बोला गया था। आज कहाँ गए वो सिद्धांत, सारे चीज़ भूल गए हैं विधायक जी। पता चल रहा है विधायक जी को अब चंदन क्यारी की जनता से कोई नाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं। जो चंदन क्यारी की जनता एक गरीब आदमी को, जो कि एक नॉर्मल मोटरसाइकिल में घूमता था, वो व्यक्ति जो कि उसके पास कुछ नहीं था, आज उसके पास प्रॉपर्टी है, आज वो व्यक्ति फॉर्चुनर में घूमता है, लेकिन आज चंदन क्यारी के जो उन पे जो बड़ा दिल दिखाते हुए जो उसको गरीब का बच्चा को जो विधायक बनाया, आज वही भूल गए हैं। चंदन क्यारी के लोगों को कष्ट को भूल गए, पीड़ा को भूल गए, जिससे लोग पूरा परेशान है, जिससे परेशान हो गए। और सबसे पहली बात कि हमारी जो जनप्रतिनिधि है, इससे हमारा उम्मीद टूट गया, इस वजह से उम्मीद टूट गया है, क्योंकि आए दिन आप देखिएगा कि 2000 जब मंत्री थे तब इनका बयान तो ये था कि एक पत्रकार महोदय से जब इन्होंने सवाल किया था, पत्रकार महोदय ने तब इन्होंने कहा था कि सवाल किया था कि अच्छे दिन आ गए हैं क्या, तब इनके जवाब, हमारे माननीय विधायक जी का जवाब यह था कि अच्छे दिन ये नहीं तो क्या है, हम और आप एसी रूम में। विधायक जी को क्या अच्छे दिन वो नहीं है, अच्छे दिन आपके घर में एसी लगने से अच्छे दिन नहीं होते, अच्छे दिन जनता के घर में बिजली पहुंचने से अच्छे दिन होते हैं, यह बात याद रखिए महोदय। लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? लोगों को हम संदेश देना चाहेंगे कि अब समय आ गया है, उलगुलान का समय आ गया है, अब ऐसा जनप्रतिनिधि चुनने का, क्योंकि यह जनप्रतिनिधि हमारे क्षेत्र को पूरा पूरी एकदम पूरे चंदन क्यारी के लोगों का मान सम्मान से खेलने का काम किया। आपको सबको पता है कि 2014 में जीता, वोट बेच के दूसरे में चल गया, चलिए ठीक है आप जो भी दल में गए, लेकिन दल में रह के आपको चंदन क्यारी के जनता के साथ रहना चाहिए था, लेकिन आज भी चंदन क्यारी के जनता के साथ नहीं है, ये सबसे बड़ी दुखद बात है चंदन क्यारी के लिए। और चंदन क्यारी के लोग गाँव में, ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है हमारे MLA के ऊपर, हमारे विधायक के ऊपर, सांसद के ऊपर, जो मेन जवाबदेही हमारे बिजली के ऊपर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है ऋतिक कुमार। किनके माध्यम से किया गया? यह JSSU स्टूडेंट यूनियन के माध्यम से किया गया है, जो कि 60-40 का विरोध मुखर तरीके से किया था इस संगठन ने, आप सबको पता है, ठीक उसी वही संगठन, कोई इसमें बदलाव नहीं है, कोई अलग संगठन नहीं है, वही संगठन। हम लोग बढ़िया, हमारे जो भैया लोग हैं उन लोग से बात करके हम लोग इस समस्या को जब समाज के प्रति जब यही कर रहे हैं, रख रहे हैं, जागरूकता कर रहे हैं, तो हमारे जो सीनियर भैया लोग हैं वो लोग हमें उत्साहित की रहे हैं, हमें बोले कि इससे करो, हमें ये गर्व होता है कि हमारे संगठन में ऐसा ऐसा नौजवान।